The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। सो व्हाट डू यू नीड टू नो वर्कआउट फॉर योर हार्ट। दिल को सेहतमंद रखने के लिए, हार्ट अटैक प्रिवेंट करने के लिए, दिल की नसें खोलने के लिए, नेचुरल बाईपास के लिए कितना वर्कआउट करना चाहिए, कौन सा वर्कआउट करना, दिल की वर्कआउट क्या होती है, फिजिकली एक्टिव रहना क्या होता है, आज समझते हैं। बहुत ज़रूरी वीडियो है, सभी को शेयर करिएगा और इस चैनल को अगर आपने अब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मैं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। सो फिजिकली एक्टिव का मतलब होता है जो आप अपने दिल के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट जो दे सकते हो खुद को, वो है फिजिकली एक्टिव रहना। सबसे अच्छा रेगुलर एक्सरसाइज आपके रिस्क हार्ट अटैक का भी कम कर देगा और आपकी लाइफ की स्पैन, जीवन भी बढ़ा देगा। सो आपको घंटों घंटों जिम में रहने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अगर आप अपनी बॉडी को मूविंग, हिलाते डुलाते रहो, चलते फिरते रहो यहाँ से वहाँ 30 मिनट एक दिन में, उतना भी बहुत है आपके दिल की हेल्थ इंप्रूव रखने के लिए। अगर आपको डायबिटीज़ है, हार्ट की बीमारी है, तो अपने डॉक्टर से बात करें कि भाई मैं कितना चलूँ कि मुझे कोई दिक्कत ना हो। हार्ट की बीमारी वाले उतना चलें जितने में उनको सांस ना फूले, दिल में छाती में दबाव ना हो। शुगर वाले पेशेंट्स उतना चलें जितना उनकी शुगर लेवल ज़्यादा लो ना हो। धीरे 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 अपनी क्षमता बढ़ाते जाएँ, अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट में रखें। बेनिफिट क्या होगा एक्सरसाइज का? नंबर 1, आप कैलोरीज बर्न करेंगे। आपकी जो कैलोरीज हैं, एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा वेट कम करेगी। ओवरवेट इज अ रिस्क, ओबेसिटी, मोटापा एक रिस्क है जिससे हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल और शुगर जैसी बीमारियां होती हैं। नंबर 2, एक्सरसाइज करने से ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। अगर आपकी उम्र जो भी 30 के ऊपर है और उसमें आप मॉडरेट एरोबिक एक्सरसाइज 30 मिनट या 60 मिनट तक करते हैं, आप हफ्ते में 5 दिन भी करते हैं, तो भी आपका जो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम में ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। दवाई लेते हो ब्लड प्रेशर की, वो भी स्लोली ओवर पीरियड ऑफ टाइम कम हो सकती है। और बीपी अपने आप में जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, एक वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर है, जो बाकी सारे रिस्क फैक्टर के अलावा, कि जिससे कि एंडोथेलियल इंजरी होती है खून की नसों के इनर लाइनिंग में, जिसकी वजह से हार्ट की बीमारियां, एथेरोस्क्लेरोसिस, प्लाक बनते हैं, वो कंट्रोल रहेगा। तीसरा, रेगुलर एक्सरसाइज से नींद अच्छी आती है, स्ट्रेस कम होता है, इट्स अ वेरी गुड स्ट्रेस बस्टर। एंड चौथा, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी कम होते हैं, जो भी एक अच्छा रिस्क फैक्टर है। एरोबिक एक्टिविटी जो होती है, उसका क्या मतलब है? एरोबिक एक्टिविटी का मतलब है वो एक्टिविटी जिसमें आपकी बॉडी जो मांसपेशी है उसकी एनर्जी जो है ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हुए यूज का एनर्जी जनरेट कर रही है। तो जितनी भी अगर आप लार्ज मसल्स यूज़ करेंगे तो आपकी हार्ट बीट फास्ट होगी, यानी आप पैर से दौड़ेंगे, अगर हाथ पैर से बड़ी बड़ी एक्सरसाइज करेंगे, तो आपकी एरोबिक एक्सरसाइज जो है वो एक तरीके से कह लीजिए वॉकिंग, जॉगिंग, थोड़ी बहुत स्विमिंग, साइकिलिंग, ये सब एरोबिक एक्सरसाइजेस में आते हैं। सो बेनिफिट क्या होगा इससे? अगर आप आधा घंटा डेली का 20 से 30 मिनट मॉडरेट, बहुत हैवी नहीं करनी है, बहुत लाइट भी नहीं करनी, गार्डन में नहीं घूम रहे, थोड़ा सा तेज, इतनी कर लेंगे तो आप यानी 2.5 आवर्स अ वीक, हफ्ते में 2.5 घंटा कर लेंगे या 10 से 15 मिनट का हैवी सेशन आप डेली का कर लेंगे तो भी बहुत बढ़िया इफेक्ट आएगा आपके हार्ट पे। मॉडरेट एरोबिक एक्टिविटी में डांसिंग, हाइकिंग, बाइसिकलिंग और ये सारी गोल्फिंग, स्विमिंग सब आ जाएगा। ठीक है, विगरस एक्टिविटी में आ जाता है बहुत तेज बाईसाइकिल चलाना, बहुत ब्रिस्क वॉक लंबे समय के लिए करना, या ये सब कुछ जो जॉगिंग, जंपिंग रोप, सॉकर, बास्केटबॉल, ऐसी चीज़ें आ जाए, टेनिस वेनिस कर ली। सो यहाँ अगर आप इस तरीके करते हैं तो इसको आप हफ्ते में 2.5 घंटे की जगह केवल 1.25 घंटा यानी 75 मिनट्स करना भी बहुत है हफ्ते में। सो बहुत है, अभी इतना ही करना ज़रूरी नहीं है। वजन कम करना है तो थोड़ा ज़्यादा कर लेना, है कि नहीं, बट इतना हार्ट के लिए बात आ रही है कि उतना बहुत है। सो कितना कैसे ट्रैक करें आप अपने ट्रैक कि मॉडरेट, विगरस, ये है कि नहीं है, इसमें कई सारी चीज़ें। अगर आप इसको कैसे ट्रैक करें, मॉडरेट हैं कि आपकी बॉडी कैसे फील कर रही है उस समय ड्यूरिंग दैट एक्टिविटी, तो आप समझ जाएंगे कि भी ये मॉडरेट है, माइल्ड है या विगरस है। ठीक है, और इसके ऊपर बॉर्ग रेटिंग ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन स्केल रैंक किया जाता है, जिसको 6 से 20 का रैंक दिया है। तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज यू हैव टू चूज दैट नंबर कि कितनी हार्ड वर्कआउट है ये। सो अगर आप मान लीजिए कोई एक्सर्शन नहीं है तो 6, एक्सट्रीमली लाइट है, वेरी लाइट है तो 6, 7, 9, वेरी लाइट मतलब स्लो वर्किंग, इजी चोर्स, लाइट है तो 11, 13, समवॉट हार्ड, रिक्वायर्स एफर्ट बट डजंट मेक यू आउट ऑफ ब्रेथ, यानी 13 लेवल तक है मतलब आउट ऑफ ब्रेथ नहीं है, आप लगातार बात कर पा रहे हैं, सांस रुक नहीं रही है। हार्ड का मतलब आ जाएगा जब आप आउट ऑफ ब्रेथ हो रहे हैं, जब आपको रुक के सांस लेना पड़ रहा है। वेरी हार्ड जब आपको रियली पुश करना पड़ रहा है, एक्सट्रीमली हार्ड हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सरसाइज और मैक्सिमल एक्सर्शन इज 20। मॉडरेट लेवल का मतलब है 12 से 14 के बीच में, 12 से 14 मतलब जहां पर आपका आउट ऑफ ब्रेथ की बस लिमिट टच हो रही है, सांस फूल भी नहीं रही और भी नहीं है, और अगर आपके ब्रेथ सांस उखड़ रही है कि उतना कि सांस लेना पड़े रुक के, तो वो होगी विग्रस एक्सरसाइज। सो बेसिक चीज़ हम उसको इससे भी देख सकते हैं कि अगर आप कोई भी एक्सरसाइज करते हुए गाना गा पा रहे हो तो वो बहुत माइल्ड एक्सरसाइज है। अगर आप एक्सरसाइज करते हुए गाना नहीं गा पा रहे उसमें या तो फिर दैट इज अ मॉडरेट एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज करते समय बात भी नहीं कर पा रहे देन दैट इट इज अ विगरस लेवल एक्सरसाइज, सिंपल, ठीक है। सो आप उसको स्लो या फास्ट करके आप मॉडरेट लेवल पे लेके आओ, एक्सरसाइज करो और अपने हार्ट रेट को भी ट्रैक कर सकते हो। हार्ट रेट को भी ट्रैक कर सकते हैं, कई लोग उसके बारे में बोलते हैं कि 50 to 80% ऑफ योर मैक्सिमम हार्ट रेट पे आपको रखना चाहिए, टारगेट हार्ट रेट जितने पे आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, और बेस्ड ऑन योर एज आपकी मैक्सिमम हार्ट रेट क्या होगी वो कैलकुलेट की जा सकती है। और एक्सरसाइज में आप बीच में रुक रुक के अपनी पल्स भी देख सकते हैं, रिस्ट पे आप अंगूठे के नीचे रिस्ट पे मैंने इसे वीडियो भी बनाया था, हाउ टू चेक योर पल्स, वो भी देख सकते हो आप वीडियो। उसके अलावा आप अपने पल्स नेक पे भी चेक कर सकते हैं, इंडेक्स और मिडिल फिंगर को एडम्स एप्पल के जस्ट साइड में लगाने का, ठीक है। और यू कैन काउंट द बीट्स फॉर 10 to 15 सेकेंड्स और 10 सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 6 और 4, तो उससे आपको मिलता चल जाएगा आपकी हार्ट रेट क्या है। ट्रैक योर हार्ट रेट। सो टारगेट हार्ट रेट क्या होती है? 20 साल की उम्र में टारगेट हार्ट रेट होती है 100 टू 170 बीट्स पर मिनट। तो आपको 100 से लेके 170 बीट्स पर मिनट के बीच में एक्सरसाइज करनी है और उम्र के हिसाब से आप टारगेट हार्ट रेट देख लो, ये आपकी टारगेट हार्ट रेट्स हैं, यानी इनके बीच में आपको एक्सरसाइज करनी है। सो टू फाइंड अप्रोक्सीमेट टारगेट हार्ट रेट आपको करना क्या है, अगर आपको आपकी उम्र के लिए चाहिए तो 220 माइनस योर एज, 220 माइनस योर एज इज योर टारगेट हार्ट रेट। उस टारगेट हार्ट रेट का 50% टू 85% के बीच में आपने दौड़ना है, दैट इज द थिंग, ठीक है। कई कहते हैं सर 140 होनी चाहिए हार्ट रेट, 120 होनी, ऐसा नहीं, हर उम्र के लिए अलग हिसाब किताब है, ये हिसाब किताब है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू एक्सेस योर वर्कआउट। मॉडरेट इंटेंसिटी का मतलब है हार्ट रेट आपका 50 से 70% होगी और विगरस एक्टिविटी का मतलब है 70% टू 80% ऑफ योर मैक्सिमम हार्ट रेट, 220 माइनस द एज वाला हिसाब किताब। सो व्हेन यू आर एक्सरसाइजिंग पहले स्लो वर्कआउट पे चालू करिए, 50% ही, फिर 60, फिर 70%, फिर आप ऐसे उसके बीच में मॉडरेट इंटेंसिटी को टच करें, ये ध्यान में रखें। सो की पॉइंट्स क्या है कि दिल को सेहतमंद रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज, 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 एक्सरसाइज। उसके बाद डाइट, जी हाँ डाइट भी बहुत जरूरी है, वेट मैनेजमेंट सबसे जरूरी है, ब्लड प्रेशर, शुगर, रिस्क फैक्टर्स मैनेजमेंट जरूरी है, और पुट्ठे सीधे कम नहीं करने हैं, मतलब कि सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, दारू, वो सब ऑब्वियस सी बात है यार, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे फिर क्या मतलब हुआ है कि नहीं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, सो प्लीज अंडरस्टैंड हेल्दी लाइफस्टाइल एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो चेक विथ योर डॉक्टर इफ यू हैव हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, एनी अदर हेल्थ बीमारी, कोई और प्रॉब्लम, और उसको भी एड्रेस करना जरूरी है। एंड हार्ट को अपने हेल्दी रखिए, तगड़े हो जाइए, एक्सरसाइज करिए, स्लोली शुरू करिए, धीरे धीरे प्रोग्रेस करिए, और इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नहीं किया अब तक तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।